हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के एजुकेशन के बारे में, सॉरी बीए सेकंड ईयर के राजनीति शास्त्र के बारे में, जिस पर आज की हमारी ये पहली वीडियो है। नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि नए पैटर्न पर आपका जो एजुकेशन इस साल का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके आधार पर हमने ये राजनीति शास्त्र का पेपर तैयार किया हुआ है आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके और जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब कि आपको चाहिए बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, सेकंड ईयर के हिंदी की वीडियो है, तो पॉलिटिकल साइंस के भी डिमांड हो रही थी, इसलिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। देखो, मैंने ऑप्शंस आपके सामने इसलिए नहीं रखे, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं लेकिन डायरेक्ट उत्तर आपके सामने दिखाया जा रहा है कि ये आंसर राइट होगा, उस पर मैंने इस तरह से एरो करके टिक बनाया हुआ है कि आपको पता चल सके कि राइट आंसर क्या है, क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और क्वेश्चंस हम ज़्यादा हल कर पाएंगे। तो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक तरह से आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे पीडीएफ का भी, जहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे इसका पीडीएफ भी। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके स्थायित्व, उत्तरदायित्व, दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अस्थायित्व। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अस्थायित्व होती है, यानी कि इसकी जो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, जो शासन व्यवस्था इंडिया में पाई जा रही है, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है? भारत, अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से किस देश में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसमें किस देश में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था नहीं है? हमारे भारत में। हमारे भारत में जो शासन प्रणाली है वो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिसको हम कहते हैं, हमारे भारत में प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, यहाँ सब क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, अप्स क्या है, डाउन्स क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जिसमें पूरा आपको समझाया हुआ है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है। तो सब कुछ उसके हानि लाभ सब कुछ बताया गया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के वो वीडियो देख लेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलबंदी की बुराइयां किस प्रकार की शासन व्यवस्था में अधिक पाई जाती हैं? राजनीतिक जो दलबंदी की बुराई है वो कौन सी शासन प्रणाली में ज्यादा पाई जाती है? अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, एकात्मक या राजतंत्र? तो इन चारों में राइट आंसर क्या होगा आपका? संसदात्मक शासन प्रणाली, जो हमारे भारत की शासन प्रणाली है, संसदात्मक या लोकतांत्रिक जो भी हम कह सकें, तो संसदात्मक शासन प्रणाली में दलबंदी की बुराइयां होती है। आपने देखा होगा भारत में कई सारी पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, दोनों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, दोनों एक दूसरे पर हमेशा जब भी इलेक्शंस आए या ना आए हमेशा 24/7 पूरे साल, पाँचों साल जितने भी टाइम तक जो भी रहते हैं सभी एक दूसरे पर इनकाउंटर करते रहते हैं, दूसरे वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है दल से कि हम बीजेपी के हैं या हम कांग्रेस के हैं या हम इसके हैं हम उसके हैं, मतलब दलबंदी की चीजें पाई जाती हैं। और ये किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? आपके संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अगर आप वही बात करोगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जैसे कि अमेरिका में हो रहा है आपके इलेक्शंस, तो इलेक्शन टाइम पर ही जो भी अलग अलग पार्टीज होंगी वो सामने आएंगी उभर करके। और एक बार अगर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में जो भी जिसको कहना है, सामने वाले को इनकाउंटर करना है या उसका दिखाना है, उसके अप्स डाउन्स दिखाने हैं, वो करेंगे, लेकिन एक बार फाइनल हो गया कि ये राष्ट्रपति बन गया है, इसको लोगों ने जिता दिया, उसके बाद 5 साल तक कोई भी वहाँ पर नेता या कोई भी पार्टी नहीं दिखेगी, बस जिसका शासन है सभी लोग उसका सपोर्ट करेंगे। और 5 साल के बाद फिर जब आएगा आपके इलेक्शंस का टाइम, फिर सभी लोग एक्टिवेट होंगे। तो राजनीतिक दलबंदी की बुराइयां नहीं देखने को मिलती है। तो राजनीतिक दलबंदी की बुराइयां कौन से शासन में अधिक पाई जाती हैं? तो वो है आपका संसदात्मक शासन प्रणाली। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल राज्य, उसकी संस्थाओं तथा प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत किससे? आपके ऑप्शन से संविधान का भी अध्ययन किया जाता है, बी ऑप्शन है आपका अन्य राजनीतिक संदर्भों का भी अध्ययन किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है सी नंबर के संबंधित राज्य के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका राज्य के मध्य उनकी समानताओं एवं असमानताओं का भी अध्ययन किया जाता है।
तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। अगर किसी चीज़ की तुलना करना है कि राज्य या उसकी संस्थाओं की तुलना करना है कि ये राज्य इस राज्य से किस तरह से अलग है या उसमें क्या मान्यताएं हैं, क्या सिस्टम है, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तो उसके लिए उस राज्य से संबंधित इतिहास का अध्ययन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है किस देश का राजा वहां की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। किस देश का राजा वहां की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें आपका ब्रिटेन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी के तीनों जो आपको नीचे दिख रहे हैं ना, अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये तीनों कौन से शासन प्रणाली में है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। क्या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रधान नहीं होता है, जो होता है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो अगर आपको आपके ऑप्शंस में ब्रिटेन दिया हो तो आप ब्रिटेन पर राइट आंसर लगाएंगे कि ब्रिटेन आपका राइट आंसर है। अगर आपके ऑप्शंस में ब्रिटेन की जगह पर भारत दिया हुआ है तो भी आप किसको लगाएंगे, भारत को लगाएंगे। अगर ब्रिटेन के स्थान पर भारत भी दे दिया तो भारत में भी जो देश का राजा यानी कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो केवल नाम के प्रेसिडेंट होते हैं, नाम के पावरफुल होते हैं, नाम के जो है देश के सबसे प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। तो आपका अगर भारत भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपका भारत करेक्ट होगा। ओके, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन कि वास्तविक संप्रभुता जनता के हाथ में होती है। कौन सी शासन प्रणाली में, संघीय, अध्यक्षीय, राजतंत्रीय या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संघीय शासन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेवंथ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अध्यक्षीय प्रणाली आधारित होती है। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वो किस चीज़ पर आधारित होती है। आपके ऑप्शन है शक्ति पृथक्करण पर, शक्ति संचयन पर, शक्ति के संयोजन पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर, अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस चीज़ पर आधारित होती है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली आधारित होती है शक्ति पृथक्करण पर, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एट नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किसने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्था से स्वतंत्र एवं अपनी नीतियों के लिए उसके प्रति अनुत्तरदायी होती है। किसने ऐसा कहा हुआ है। आपके ऑप्शन है बेजहांत, बी ऑप्शन है गार्नर, सी ऑप्शन है पैली एंड डी ऑप्शन है आपका डायसी। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग कि किसने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका से अलग अपनी नीतियां खुद डिसाइड करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है गार्नर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन किस शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। पावर्स का जो डिवीजन है वो कौन सी शासन प्रणाली में किया जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी तक का, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, पावर डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग विभाजित होते हैं पावर्स। ओके, बाकी संसदीय में देखेंगे तो एक मंत्रिमंडल होता है, पूरी शक्ति उसी में निहित होती है, तो एक जैसे हो जाते हैं। राजतंत्र में तो राजा के पास ही पूरा शासन होता है। तो शक्ति का विभाजन किस शासन प्रणाली में होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टेंथ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है टेंथ नंबर का क्वेश्चन कि किस शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका होती है। कौन सी ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक शासन प्रणाली जो है कार्यपालिका होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, बी है संसदीय, सी है राजतंत्रीय एंड डी है सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसके लिए आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। समझो किस कैसे होगा, जैसे कि अगर आप बात करोगे राज जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें जो कार्यपालिका होती है ना वो विधायिका के ऑर्डर पर कार्य करती है, यानी कि जो जो जैसे पीएम हो गया, उनकी मंत्रिमंडल हो गया, उसके ऑर्डर पर ही कार्यपालिका काम करती है। यानी कि कार्यपालिका स्वतंत्र या अलग होकर के नहीं होती है, कार्यपालिका उनके द्वारा किए गए जो भी विधायिका बनाए जाते हैं उस पर वो उसको मनवाने का काम करती है, उस पर एक्शन लेने का काम करती है कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन सी होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा टेंथ नंबर इलेवंथ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि गोपनीयता की विशेषता कौन सी शासन प्रणाली है। गोपनीयता की विशेषता कौन सी शासन प्रणाली है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, बी है संसदीय शासन प्रणाली, सी है तानाशाही एंड डी है आपका फासीवाद। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन प्रणाली जो है गोपनीयता की विशेषता इसी में पाई जाती है। क्योंकि जो भी मंत्रिमंडल बैठते हैं उसमें जो भी डिस्कशन होता है वो गोपनीय रहता है,
जब तक कि पीएम जाकर के उसको जो है सबके सामने ना बता दे, जब तक सबको शेड्यूल ना किया जाए कि हाँ इस टाइम स्टेट पर ये चीज़ अनाउंस करनी है, तब तक उस मंत्रिमंडल में क्या बात हुआ है, क्या निर्णय लिया गया है, ये कोई भी मंत्री पब्लिकली बता नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन कि किस शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन तो होता है लेकिन अलग नहीं होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, बी है संसदीय शासन प्रणाली, सी है राजतंत्रीय शासन प्रणाली एंड डी है सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी शासन प्रणाली में शक्तियां अलग तो होती हैं लेकिन पृथक्करण नहीं होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में दिखाया तो जाता है कि कार्यपालिका यह है, व्यवस्थापिका यह है, जो है विधायिका यह है, न्यायपालिका यह है, अलग अलग है लेकिन सभी एक दूसरे पर क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, परंतु पृथक्करण नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है, आपके ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, बी है संसदीय शासन प्रणाली में, सी है दोनों में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन प्रणाली में क्या पाई जाती है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का कि राजनीतिक सजायकता की विशेषता होती है। राजनीतिक सजायता की विशेषता क्या, किसमें पाई जाती है, आपके ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, राजतंत्रीय शासन प्रणाली या सभी में। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक सजायता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि गोपनीयता किस शासन प्रणाली की विशेषता है। अभी ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ था, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, गोपनीयता। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय शासन प्रणाली में किस प्रणाली के गुण पाए जाते हैं। जो भारतीय शासन प्रणाली है उसमें किस प्रणाली के गुण पाए जाते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, केवल संसदीय या ए प्लस बी दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। तो राइट आंसर आपका इस मामले में डी हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ गुण संसदीय शासन प्रणाली के भी पाए जाते हैं और ज़्यादातर मात्रा में जो है सॉरी कुछ गुण अध्यक्षीय के भी पाए जाते हैं और ज़्यादा संसदीय के पाए जाते हैं। तो ए प्लस बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड भी होगा, तो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, किस शासन व्यवस्था में शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण दोनों होता है, यानी कि शक्तियों का विभाजन भी होता है और उनको अलग भी किया जाता है। आपके ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, बी है संसदीय शासन प्रणाली, सी है राजतंत्रीय शासन प्रणाली एंड डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, किसमें विभाजित किया जाता है पूरी तरह से, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, किस शासन व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन का पूर्ण अभाव होता है। कौन सी शासन व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है उसका अभाव होता है। आपके ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, बी है संसदीय शासन प्रणाली, सी है उपरोक्त दोनों एंड डी है केवल अध्यक्षीय शासन प्रणाली। क्या होगा राइट आंसर, तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान की सर्वोच्चता किस शासन प्रणाली की विशेषता है। कौन सी ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है राजतंत्रीय शासन प्रणाली एंड ऑप्शन नंबर डी है तीनों। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है, संविधान को इसमें सबसे सर्वोच्च माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन कि शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध एवं संतुलन किस प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है संसदीय शासन प्रणाली एंड ऑप्शन नंबर सी है नाजी एंड ऑप्शन नंबर डी है फासीवाद। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है क्या, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन कि किस शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। किस शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का जो टाइम पीरियड है वो अनिश्चित होता है। आपके ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, बी है संसदीय शासन प्रणाली, सी है राजतंत्री एंड डी है तानाशाही। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्त आपका संसदीय शासन प्रणाली। इसमें आपने देखा होगा कोई मंत्री आज से 10 साल पहले से मंत्री बना हुआ है और तब से अभी तक मंत्री बना हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार वो चीजें डिपेंड करती है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है किसमें, संसदीय शासन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस शासन की विशेषता है।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो किस शासन प्रणाली की विशेषता? आपके ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, बी है संसदीय शासन प्रणाली, सी है राजतंत्रीय शासन प्रणाली एंड डी है आपका एकात्मक। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर है दोस्त आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि संसदीय शासन व्यवस्था के क्या दोष है? आपके ऑप्शन है इसके लिए निर्बल शासन, दलीय तानाशाही, कार्यपालिका की अस्थिरता या उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों तथा कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। यह कथन होता है किसका? आपके ऑप्शन है गार्नर, बी ऑप्शन है गैटल, सी ऑप्शन है डाइसी एंड डी ऑप्शन है आपका थैचर। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? तो आपका राइट आंसर है दोस्त इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है गैटल। गैटल ने कहा था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों को करने के लिए जो विधानमंडल है जो नीतियां बनाती है उससे अलग है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश के संविधान में संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों गुण पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके शासन में हम देखते हैं तो संसदीय भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में अध्यक्षीय शासन भी पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन इसके लिए हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस, भारत या सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? देखो भारत में भी पाया जाता है, फ्रांस में भी पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में भी पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए सभी। तो 25 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है कि नाम मात्र की कार्यपालिका का संबंध है, नाम मात्र की कार्यपालिका का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से, बी ऑप्शन है साम्यवादी शासन व्यवस्था से, सी ऑप्शन है संसदात्मक शासन व्यवस्था से एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में क्या होगा आपका राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्त नाम मात्र की कार्यपालिका कहां पाई जाती है? संसदात्मक शासन प्रणाली में। ये कार्यपालिका केवल नाम मात्र की होती है कि ये अलग है, बल्कि काम तो वही करती है जो विधायिका उसको देती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के लिए सत्य बात कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है कि संविधान में संसदीय सर्वोच्चता स्वीकृत की गई है, या बी ऑप्शन है जो है कार्यपालिका के अस्थायित्व को अधिक महत्व दिया गया, सी ऑप्शन ब्रिटिश संसद की प्रभुता तथा अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समझौता किया गया है, या कोई नहीं। तो राइट क्या होगा आपका आंसर इसके लिए? ब्रिटिश संसद की संप्रभुता जो है और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समझौता करके भारत का संविधान बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का दोष नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली का दोष क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन, या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, या दलीय तानाशाही का भय, या डी ऑप्शन कार्यपालिका की अस्थिरता। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए 28 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली का दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कौन सा अंतर नहीं है? आपके ऑप्शन है कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर, या बी ऑप्शन है कार्यपालिका की अवधि संबंधी अंतर, या सी ऑप्शन है मंत्रियों की स्थिति में अंतर, या डी ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन के लिए प्रशासनिक कुशलता में अंतर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक कुशलता में अंतर जो है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस कार्यपालिका पर लागू होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कौन सी कार्यपालिका पर लागू होता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्षीय, ऑप्शन नंबर बी है संसदीय, ऑप्शन नंबर सी है अध्यक्षीय एवं संसदीय दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी प्रकार की कार्यपालिकाओं में। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन प्रणाली में जो होता है ना सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। यानी कि अगर एक मंत्री कुछ बोल रहा है यानी कि वो सभी मंत्रियों की राय होगी, क्योंकि वो एक मंत्री पूरे मंत्रिपरिषद को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद में ना अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री कुछ बोलता है या कुछ प्रधानमंत्री के साथ कुछ होता है, समझो वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन, किस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के नियंत्रण में से स्वतंत्र अस्थायी कार्यपालिका की व्यवस्था होती है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका कि विधायिका का निर्वाचन जनता करती है, उसे प्रधानमंत्री के कहने पर उसकी अवधि से पहले भी भंग किया जा सकता है, ये वक्तव्य किस प्रणाली के लिए उचित है? तो आपका ऑप्शन है अध्यक्षीय, बी ऑप्शन है संसदीय, सी है अधिनायक तंत्र बहु जो, और लास्ट है आपका डी नंबर बहुल तंत्र। तो इन चारों में राइट आंसर क्या होगा आपका, तो विधायिका का निर्वाचन कौन करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर उसकी अवधि से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, जनता करती है निर्वाचन, तो कह यह सत्य है किस चीज के लिए, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, क्या संसदीय। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एकल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है, एकल कार्यपालिका यानी कि एक कार्यपालिका है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा कंट्री होगा? आपके ऑप्शन हैं इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका एंड चाइना। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्त एकल कार्यपालिका के लिए, तो वो है अमेरिका। अमेरिका एकल कार्यपालिका जो है कार्यपालिका पर आधारित चीजें हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का आपका राइट आंसर, सॉरी 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बहुल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है, बहुल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण आपका कौन सा देश है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका चीन। तो बहुल कार्यपालिका का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्विट्जरलैंड, अगर स्विट्जरलैंड के जगह पर साउथ अफ्रीका या इंडिया भी दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, स्विट्जरलैंड होगा, इनमें दोनों कार्यपालिकाएं पाई जाती है, दोनों कार्यपालिकाओं का कुछ कुछ अंश पाया जाता है, अध्यक्षात्मक का भी और संसदात्मक का भी। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अस्थायी कार्यपालिका की संज्ञा दी जा सकती है? आपके ऑप्शन है राजनीतिक कार्यपालिका को, बहुल कार्यपालिका को, या थर्ड है ऑप्शन संसदीय कार्यपालिका, या डी ऑप्शन है अधिकारी तंत्र को। तो किसको अस्थायी कार्यपालिका की संज्ञा दिया जा सकता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी अधिकारी तंत्र। जो अधिकारी होते हैं जो जिनको गवर्नमेंट के द्वारा जो है एग्जाम्स क्लियर करके वो आते हैं, वो अधिकारी अस्थायी रूप से माने जाते हैं कि कार्यपालिका को जो है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उनको देखेंगे, उसको कार्य करेंगे, उस पर काम करेंगे, जैसे कि जो भी एग्जाम्स के थ्रू आईएएस आईपीएस आ गए या पुलिस अधिकारी आ गए, ये क्या है अधिकारी तंत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल शासन का मुख्य लक्षण नहीं है, मंत्रिमंडल शासन का मुख्य लक्षण कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए है आपका दोहरी कार्यपालिका, बी है सामूहिक उत्तरदायित्व, सी है राजनीतिक एकता एंड डी है आपका विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो है पृथकता। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य पृथकता। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन माना जाता है, तुलनात्मक राजनीति यानी कि दो जगहों को, दो चीजों को, दो सोसाइटीज को तुलना करके लिखने वाले को तुलनात्मक कहते हैं, तो तुलनात्मक राजनीति का फादर किसको माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और मॉन्टेस्क्यू। इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि क्या तुलनात्मक राजनीति का संबंध राज्य तक सीमित है? आपके ऑप्शन से नहीं, बी ऑप्शन है कुछ दूरी तक, सी है हाँ, डी है विद्वानों में मतभेद है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नहीं, तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल राज्य तक सीमित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में प्रचलित है, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो कौन से देश में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन या तीनों में। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहां पर प्रचलित है, तो आपका ये तीनों जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं ऊपर, ये तीनों ही करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों में। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य अध्यक्ष और उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में भी उसके प्रति उत्तरदायी हों, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है गार्नर, बी ऑप्शन है गैटिल, सी ऑप्शन है मार्शल एंड डी ऑप्शन है आपका हेवाजे। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर वन गार्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो काल होता है वो सुनिश्चित होता है, तो
तो कार्यपालिका का काल किसमें सुनिश्चित होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संसदीय, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन नंबर सी एकात्मक एंड ऑप्शन नंबर डी राजतंत्रीय। तो राइट आंसर होगा आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसमें 4 साल फिक्स होता है कितने टाइम पीरियड के लिए ही आपको कार्यपालिका में काम करने का मौका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की स्थिति संसदीय नेता की नहीं बल्कि कार्यपालिका के प्रधान सचिव जैसी होती है? तो आपको ऑप्शन है संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक या राजतंत्रीय। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कि नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है, कहां पर? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका संसदीय शासन प्रणाली में, बी ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, सी ऑप्शन है एकात्मक शासन प्रणाली में एंड डी ऑप्शन है आपका राजतंत्रीय शासन प्रणाली में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है बल्कि दोनों एक ही होती हैं और एक ही वो अपने से विधायिका से अलग होकर के वो काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कि अध्यक्षीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अध्यक्षीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपके ऑप्शन है कांग्रेस, बी है राष्ट्रपति, सी है आपका न्यायपालिका एंड डी है सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सभी के प्रति। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके जो है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? आपके ऑप्शन हैं सर्वोच्च न्यायालय, बी है राष्ट्रपति, सी है सीनेट एंड डी है आपका कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो किसके प्रसाद पर टिके रहते हैं अपने पद पर? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो टिके रहेंगे, राष्ट्रपति ना चाहे तो वो नहीं टिकेंगे, उनको निकाल के किसी और को ले लिया जाएगा। तो किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के मुख्य गुण कौन से हैं? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के मुख्य गुण कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रशासन में एकता, ऑप्शन नंबर बी है दलबंदी की बुराई में कमी, ऑप्शन नंबर सी है एकता एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है किस शासन प्रणाली में राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं? इस पर मैंने आपको ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था कि कौन सा वो दल होता है, कौन सा ऐसा जो प्रणाली है शासन प्रणाली जिसमें राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। आपके ऑप्शन है संसदीय, अध्यक्षीय, एकात्मक और संघात्मक। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त इसके लिए? तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राजनीतिक दल तभी एक्टिव होते हैं जब चुनाव आता है और एक बार चुनाव हो गया, राष्ट्रपति कोई बन गया, फिर वो एक्टिव पूरे 5 साल 4 साल जब तक चलेगा शासन प्रणाली तब तक नहीं एक्टिव होंगे। जब फिर से चुनाव आएगा फिर एक्टिव होंगे, फिर अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे अपने एफर्ट्स और अगर जीतते हैं तो फिर ठीक है, नहीं जीतते हैं तो फिर से फिर अगले चुनाव में वो चीजें आती हैं सामने। तो राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय में ही एक्टिव होते हैं, कहां पर? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी शासन प्रणाली असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? अगर कुछ इमरजेंसी आ जा रहा है, कुछ असाधारण सी परिस्थिति आ जा रही है तो कौन सा सबसे बेस्ट प्रणाली माना जाएगा? तो आपके ऑप्शन है संसदीय, बी है अध्यक्षीय, सी है एकात्मक एंड डी है तीनों। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इन चारों का आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है आपका ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षीय शासन प्रणाली को सबसे उपयुक्त माना गया है कभी भी असाधारण स्थिति में अगर कुछ होता है तो। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासन प्रणाली में दलबंदी की भावना अस्थायी होती है? कि कब जब इलेक्शन आते हैं तभी दलबंदी होती है, उसके बाद फिर दलबंदी की भावना खत्म हो जाती है, वो कौन सा शासन प्रणाली है? आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है संसदीय, बी ऑप्शन है अध्यक्षीय, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा कम खर्चीला होता है? संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा कौन कम खर्चीला होता है? आपके ऑप्शन है राजतंत्रात्मक शासन, बी है अध्यक्षीय, सी है एकात्मक एंड डी है कोई नहीं। तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये संसदीय की अपेक्षा कम खर्चालू होता है, इसमें कम खर्च किया जाता है, लोग कम खर्च करते हैं। बल्कि आप अगर संसदीय शासन प्रणाली में देखो कितने कितने अरबों खरबों रुपये खर्च कर देते हैं लोग एक सीट के लिए। तो संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा कम खर्चीला कौन सा होता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली।
तो दोस्त ये थे हमारे आज के लिए क्वेश्चन, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर यही मैं आपको ऑप्शंस देता, आपको आंसर देते, तो कुल 25 क्वेश्चन ही इतने टाइम में हम कवर कर पाते। तो 50 क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर क्या कीजिए, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहां भी है वहां पर शेयर करो, ताकि और भी लोगों तक हम पहुंच सकें। और आपके कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हो किसी अन्य सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए, तो जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखो अपने कमेंट्स कि इस डेट से हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट का आप बना दीजिए, इस सब्जेक्ट का चाहिए, सब्जेक्ट के टॉप 20, टॉप 30 क्या क्वेश्चंस चाहिए, किसके रिगार्डिंग चाहिए, तो जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे। ओके? और अगर आप बीए में हैं, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे चैनल पर आपको उससे रिलेटेड जो है कंटेंट मिल जाएंगे। आप जाकर के एक बार विजिट तो जरूर करना। बीए स्टडी चैनल का नाम है, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारा कुछ, लगभग 1100 से प्लस वीडियोस अपलोडेड है बीएस रिलेटेड। तो जाकर के ज़रूर देखो और उससे देखो उसमें से तुम क्या सीख सकते हो और अपनी लाइफ में उससे क्या एब्जॉर्ब कर सकते हो। और जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चंस करवाया जाए तो उसको जरूर उसमें पार्टिसिपेट किया करो और देखा करो कि क्या क्वेश्चंस तुम्हारे सही जा रहे हैं या जो तुम सोच रहे हो वो सही क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप जाकर के जरूर विजिट किया कीजिए, जरूर देखा कीजिए। और डेली लाइव आपको रात के 8 बजे मिलते हैं इसी तरह से वीडियोस, तो जरूर आ जाया कीजिए। दिन में आपको वीडियोस के फॉर्म में मिलते हैं। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।